आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम केसेस की समाअत हुई। बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीली फरहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत का केस 12 अगस्त तक मुलतवी। मजीद जानते हैं राजा रुखसार अहमद खान से। जी बताइएगा। जी मैं से मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और आज दो अहम केसेस की समाअत जो है जारी थी, और अब से कुछ देर पहले जो है ये समाअत खत्म हुई। अगर आपको इसके हवाले से तफसीलात से आगाह करते चलूँ तो पहला केस जो है 9 मई के केसेस जो बुशरा बीबी के खिलाफ बनाए गए उनके हवाले से समाअत थी, जिसकी समाअत जो है चीफ जस्टिस सामर फारूक कर रहे थे। दूसरी जानब उनके वकील जो है लतीफ खोसा थे। इस दौरान जो है SSP ऑपरेशन जो है रावलपिंडी के, उनको भी अदालत में पेश होना पड़ा, और उनने उसके बाद DIG ऑपरेशन को भी चीफ जस्टिस ने तलब किया। इस केस के हवाले से तफसीलात आपको बताता चलूँ तो आज ये अहम पेशरफ हुई कि चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आज तक जो है बुशरा बीबी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो मुतलका जो है SSP ऑपरेशन है, उनने बताया कि इन्होंने गिरफ्तारी से कबल जो है जमानत की दरख्वास्त जो है दायर कर रखी थी, इस वजह से नहीं हुआ। इसके जो है आगे जवाब दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि क्या इसके बाद भी इसका मतलब है कि नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 1.25 साल तो गुजर चुका है इस केस को और अभी तक कोई अहम पेशरफ नहीं हुई। तो इसके बाद ये केस जो अगला आगे 12 अगस्त तक जो है मुलतवी कर दिया गया। अगर दूसरे केस की तफसीलात आपको बताता चलूँ तो दूसरे केस में ये अहम पेशरफ हुई कि ये केस था PTI के जो है बगैर मुदाखलत वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर यह समाअत हुई। तो इस दौरान जो है ये केस भी जो है जस्टिस सामर फारूक ने इस केस की समाअत की, और उसके वकील शोएब शहीन थे, और दोनों के दरमियान जो है काफ़ी बहस मुबासा हुआ, और शोएब शहीन ने कहा कि आखिर जो है ब्रिगेडियर और कर्नल का क्या काम है अडेला जेल के अंदर, उनके जो है उन पर भी पाबंदी के हवाले से इन्होंने इस्तदा की। तो उनने जस्टिस साहब ने कहा क्या वजारत दफा की दरख्वास्त आ चुकी है इस हवाले से या उनकी कोई रिपोर्ट आ चुकी है, तो उसमें कहा गया कि जी उनकी बिल्कुल रिपोर्ट आ चुकी है, और लेकिन उसके जो है डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा नहीं कराए गए। तो जस्टिस साहब ने कहा कि इनके अगर आ चुकी है इनका खत आ चुका है तो वो अदालत के सामने लाया जाए। ये केस भी आइंदा पेशी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जी जी नाज़रीन, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम केसेस की समाअत हुई। बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीली फरहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत का केस 12 अगस्त तक मुलतवी। बहुत शुक्रिया राजा रुखसार हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।